हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना और आलू से बने हुए पराठे, जिसे हम उपवास के लिए बनाएंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया है, जिसे मैंने 5-6 घंटे सोक कर लिया था। अब इसमें मैं आधा कप भुना हुआ सेंगदाना लूँगी, बारीक किया हुआ, और 8-10 कड़ी पत्ते लूँगी काट करके। कड़ी पत्ते आप चाहे तो अपने मिलाना है मिलाइए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और मैंने हरी मिर्च लिए 4-5 कूट करके, आप हरी मिर्च की जगह काली मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा लिया मैंने, आप जीरा की जगह जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। अब मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक मिला करके 2 कच्चे आलू ले लिए, उन्हें मैं ग्रेट करके इसमें मिलाऊंगी। इसे मिलाने से ना हमारा पराठा बहुत क्रंची होगा। देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मैं 3-4 चम्मच धनिया की पत्ती मिलाऊंगी और इसमें 2 उबले हुए आलू मिलाऊंगी, जिससे हमारे पराठे का बाइंडिंग पकड़ेगा और ये पराठा आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैं मिलाते हुए अच्छे से इसका डो तैयार कर लूँगी, ताकि हमारे पराठे बन जाए अच्छे से। देखिए मेरा डो तैयार है। अब मैं एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लूँगी और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी, और एक साबूदाना का बॉल लेके उन्हें हल्के हाथों से प्रेस करते हुए पराठे का शेप दे दूँगी। आप डरे नहीं, कभी कभी पराठे टूट जाते हैं, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप इसे हल्के हाथों से बना सकते हैं फिर से, और जब आपको लगे कि आपके हाथ में चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, जिससे बिल्कुल चिपकेगा नहीं। ये मेरा पराठा बन के तैयार है। अब इन्हें मैं एक प्लेट में धीरे से, यानी कि हमें बहुत आराम से सावधानी से एक प्लेट में ट्रांसफ़र करना है, ताकि ये टूटे नहीं। ये लचीला होने के कारण टूट जाता है जल्दी से। अब मैं दूसरा डो भी लूँगी, उसे भी मैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ऑयल लगा के बना लूँगी पराठे को। आप भी आराम आराम से बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है ये। उपवास के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी नवरात्रि आ रहा है, आप उसमें खा सकते हैं बना करके। तो आप इसे ऐसे भी चाय के साथ बना के खा सकते हैं, जब आपका मन करे। ये बहुत टेस्टी है। ये भी मेरा पराठा बनकर तैयार है। अब मैं एक पैन लूँगी, पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लूँगी और उसमें 2 बूंद ऑयल मिला दूँगी। अब हल्के हाथों से पराठे को मैं पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आराम से करिएगा, घाई मत कीजिएगा, टूटने का डर रहता है। आराम से आप ट्रांसफ़र करके इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पका लीजिए। पकाने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि पलटते समय हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रंचीनेस से सीख जाए। अब मैंने पराठे को हल्के हाथों से पलट दिया है। अब इन्हें भी मैं दबाते हुए सेक लूँगी। ये भी 5 मिनट के बाद इन्हें हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पराठे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए कितने आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब मैं एक दूसरा पराठा भी सेक लूँगी इसी तरीके से। देखिए इन्हें भी आपको संभाल कर डालना है। ये पराठे ना सच में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाता है। आप ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें। देखिए मेरा पराठा ये भी सीख गया है कितने आसानी से। अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी आराम से। इसी तरीके से मैंने अपने सारे पराठों को बना करके सेक लिया है। ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं आपको एक पराठा तोड़कर दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और कितना क्रंची बना हुआ है ये। देखिए कितने आराम से टूट जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।